बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी चुनाव के लिए मंगलवार को 49 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए, जिसमें अध्यक्ष के लिए 4, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4, संयुक्त सचिव के लिए 10, सदस्य कार्यकारिणी वरिष्ठ पद के लिए 11, सदस्य कार्यकारिणी कनिष्ठ पद के लिए 9 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। चुनाव आगामी 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। दीबार एसोसिएशन के हॉल में 31 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से शुरू हुई, जो सायं 4 बजे तक चली। मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप सिन्हा बबली, आनंद मोहन गुप्ता, अशोक कुमार सक्सेना, धर्मपाल सिंह, महासचिव पद के लिए अचल शर्मा, अभय कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार विश्नोई, आशीष उपाध्याय, अनिल कुमार भारती, दानवीर सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए आशुतोष मिश्र, सुनील कुमार सक्सेना, शिव कुमार गौतम, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए सचिन शर्मा, अनिल गुप्ता, पारुल अग्रवाल, काजी सोलत हुसैन, संयुक्त सचिव पद के लिए पुनीत चौहान, सीता सैनी, आवरण अग्रवाल, शशिकांत पाठक, खलील अहमद, मिंटू सिंह, शशि बिंद कुमार सैनी, जरीफ अहमद, नेहा नाज, मोहम्मद फरीद, सदस्य कार्यकारिणी वरिष्ठ पद के लिए देशराज शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिशंकर आर्य, सलीम अहमद, आलोक शर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता, अनवर अली, मनीष प्रताप सिंह, अनिल कुमार, शमसुद्दीन, भूरा सिंह तथा सदस्य कार्यकारिणी कनिष्ठ पद हेतु तारा सिंह, रमापंत पांडे, मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहित सिंह चौहान, मुकेश वर्मा, कबीर खालिद, नाजम खान, कैलाश सिंह तथा कमल कौशल सिंह के नामांकन प्राप्त हुए। बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है। नामांकन प्रक्रिया प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक बार एसोसिएशन के हॉल में होगी। और क्या आपकी बात बता रहा है? मैंने बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद में महासचिव पद के लिए नामांकन कराया है और मेरी प्राथमिकताएं, मेरी संस्था का सम्मान, मेरे सभी साथी अधिवक्ता गणों का सम्मान बनाए रखने के लिए मैं भरसक प्रयत्न और प्रयास करूंगा और उसके लिए मुझे चाहे न्यायिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन, जिससे भी अपने साथियों के सम्मान के लिए मुझे लड़ना पड़ा, मैं लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहा। अभी तक कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? क्या अभी तक मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरे सभी सीनियर्स का मुझे आशीर्वाद और मेरे साथी अधिवक्ता गण का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। पद के लिए आपने नामांकन कराया और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अध्यक्ष के लिए आपने नामांकन कराया है और प्राथमिकता ये है कि जो अनियमितता हो गई है चुनावों में उसको व्यवस्थित कराया जाए और जो अधिवक्ताओं के हित के कार्य हैं उनको कराया जाए। अशोक जी, आज किस पद के लिए आपने नामांकन कराया है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया है शिवम, और अधिवक्ता हित सर्वोपरि है मेरे लिए, और अधिवक्ता हित के अलावा मेरे पास कोई सर्वोपरि नहीं है, केवल अधिवक्ता हित ही सर्वोपरि है। अधिवक्ता का सम्मान होना चाहिए और बार और बेंच रथ के दो पहिए हैं और दोनों पहिए समान रूप से चलने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि रथ सड़क पर समान रूप से दौड़े और कोई पहिए में खराबी ना आए, मेरा ये प्रयास रहेगा। नामांकन प्रक्रिया एलडीएस कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता रामाशंकर जी के नेतृत्व में चलेगी। एलडीएस कमेटी तथा चुनाव समिति में विजय कुमार गुप्ता, महेश चंद्र त्यागी, सुभाष चंद्र गर्ग, आदेश कुमार श्रीवास्तव, आशकार हुसैन, प्रमोद प्रत्यकी, अनिल कुमार सिंह, संदीप खन्ना, मनोज कुमार गुप्ता, विशाल कांत, अर्षद परवेज, कपिल विश्नोई, सतीश विश्नोई, श्रीकांत उपाध्याय, विवेक शर्मा, हरिओम भटनागर तथा विशाल भारद्वाज आदि अधिवक्ता मौजूद रहेंगे।